हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं गूगल एडसेंस के बारे में। जैसा कि आप लोगों ने पहले ही वीडियो के थंबनेल में देख लिया है कि हमने उसमें साफ साफ लिख दिया है कि अब आप लोग गूगल एडसेंस अकाउंट में जो भी नाम डालते हैं उसे आप चेंज नहीं कर पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, ये हकीकत है, लेकिन इसमें कुछ कंडीशन है। इसे जानने के लिए इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। मेरा नाम है इसराइल और आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजी टिप्स इसराइल। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोग गूगल एडसेंस के यूजर हैं, गूगल एडसेंस के पब्लिशर हैं, तो ये वीडियो आप लोगों को शुरू से लेकर आखिरी तक देखना होगा, तभी दोस्तों आप लोग बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। जैसा कि दोस्तों आप लोग जान रहे हैं कि हमने वीडियो के थंबनेल में भी लिख दिया है कि अब आप लोग गूगल एडसेंस अकाउंट में जो भी नाम डालते हैं उसे आप लोग चेंज नहीं कर पाएंगे। लेकिन दोस्तों कुछ लोग ऐसे होते हैं जो गूगल एडसेंस अकाउंट में गलत नाम या स्पेलिंग मिस कर देते हैं, जिसकी वजह से उनको कुछ समस्या भी हो सकता है। तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि किस सिचुएशन में आप लोग अपने गूगल एडसेंस अकाउंट में नाम चेंज नहीं कर सकते हैं और आप लोग किस सिचुएशन में अपने गूगल एडसेंस अकाउंट में नाम को चेंज कर सकते हैं। जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते हैं कि जब भी गूगल एडसेंस अकाउंट में $10 कंप्लीट हो जाता है तो आपको दो नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। सबसे पहला कि आपके एड्रेस के ऊपर एक एड्रेस वेरिफिकेशन पिन भेजा जाएगा और दूसरा नोटिफिकेशन ये होगा कि आपको अपना वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड या पैन कार्ड को डाल करके गूगल एडसेंस को वेरीफाई करना होगा। यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आप लोग जिस नाम से गूगल एडसेंस अकाउंट को क्रिएट करते हैं उसी नाम से आपको वोटर आईडी कार्ड या आधार कार्ड या पैन कार्ड वहाँ पे अपलोड करना होगा। अगर दोस्तों आप लोगों ने गलत नाम या गलत स्पेलिंग को यूज करते हुए अपने गूगल एडसेंस अकाउंट को क्रिएट किया है तो इस सिचुएशन में आप लोग यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, वो भी एक बार। जैसा कि दोस्तों मैंने आप लोगों को रिसेंटली वीडियो में बताया था कि आप लोग किस तरह से गूगल एडसेंस अकाउंट में अपना वोटर आईडी कार्ड या आधार कार्ड या पैन कार्ड को डाल के वेरीफाई कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे बताता हूँ कि क्या प्रोसीजर है। यहाँ पे दोस्तों बहुत लोग ऐसे होते हैं जो कि अपने गूगल एडसेंस अकाउंट को क्रिएट कर लेते हैं लेकिन उनका नाम का स्पेलिंग जो होता है वो गलत होता है, उनके वोटर आईडी कार्ड वगैरह में कुछ नाम अलग ही होता है। तो यहाँ पे आपको एक मौका मिलता है, उसे आप सुधार करके आप लोग वहीं पे अपना वोटर आईडी कार्ड या आधार कार्ड जो भी डॉक्यूमेंट्स है आप वहाँ पे अपलोड करके वेरीफाई करवा सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप लोग एक बार वेरीफाई करवा लेते हैं तो आपने जो भी एडसेंस अकाउंट में वहाँ पे नाम को चूज किया है, जिस नाम से आपने वेरीफाई करवाया है, उसे आप लोग दोबारा चेंज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों गूगल एडसेंस अकाउंट में इस तरह का कोई भी ऑप्शन आपको देखने को नहीं मिलेगा कि आप लोग अपने गूगल एडसेंस अकाउंट में नाम को फिर से एडिट कर पाए। साफ सुथरा कहने का मतलब यह है दोस्तों कि अगर आप लोग अपने गूगल एडसेंस अकाउंट में आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड या पैन कार्ड या पासपोर्ट को अपलोड करके वेरीफाई करवा लेते हैं तो आप अपने गूगल एडसेंस अकाउंट में नाम को चेंज नहीं कर सकते हैं। इसीलिए दोस्तों मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप लोग अपने गूगल एडसेंस अकाउंट में आधार कार्ड, पैन कार्ड या पासपोर्ट डाल देते हैं तो वो आपका परमानेंट एडसेंस अकाउंट होता है। गूगल इस तरह का अपडेट इसलिए लाया है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि गूगल एडसेंस अकाउंट बेच देते हैं और काफी लोग ऐसे होते हैं कि जो गूगल एडसेंस अकाउंट को खरीदते हैं और अपना नाम, पता, सब चीज चेंज कर पाते हैं। लेकिन दोस्तों साथ ही साथ मैं आप लोगों को ये भी बता देता हूँ कि अगर आप लोग गूगल एडसेंस अकाउंट बाय करते हैं तो आपको ये ध्यान में रखना है कि उस गूगल एडसेंस अकाउंट में $10 से कम पैसा होना चाहिए। अगर दोस्तों आप लोग इस प्रोसीजर को फॉलो करते हैं तो आपके सामने किसी भी तरह का समस्या नहीं होगा, आप अपने ओरिजिनल आईडी कार्ड को यूज करते हुए अपने गूगल एडसेंस अकाउंट को वेरीफाई कर सकते हैं। तो फाइनली दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, खुश रहें। इसी तरह का वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।